नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे हरियाणा के भिवानी, जहां पे भगवत मान क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पता नहीं क्या क्या 15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हर बात झूमला, हर बात झूठी निकली। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, तुम्हें भी सुना देता हूं। पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, कलम रुक जाती है। हर बात ही झुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, नहीं आती होगी। ये भी झुमला ही है, क्योंकि वो स्टेशन उस समय बने ही नहीं था जब साहब कह रहे हैं कि मैं चाय बनाने वालों को बेच रहा था। भाई कहां बेच रहा था, ट्रेन तो नहीं थी। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा कि एक बच्चा छोटा था, छोटा बच्चा ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचता था, बड़े होके उसने ट्रेन नहीं बेच दी, सब कुछ बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी। कौन सी ऐसी सरकारी संस्था है जो नहीं बेची, और बेचते भी अपने एक ही दोस्त को हैं, एक ही दोस्त को बेचते हैं। वो बड़ा होता जा रहा है, पहले कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, अब क्या है, बाकी सबको लात, सिर्फ एक आदमी का विकास बस। तो भाई साहब, लोग कितनी देर आप इनको ऐसे झूठे जुमलों के शगुफे छोड़ करके इनका विश्वास जीतोगे? पब्लिक है, सब जानती है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर, ये पब्लिक है। लोगों से कोई बड़ा नहीं है, ये अहंकार में जी रहे हैं, इनको अहंकार हो गया है। हम 2 बार जीत गए, इनकी आप चलने की, इनका चलने का अंदाज देखना भाई साहब, भाजपा वालों का चलने का अंदाज देखना, उसमें अहंकार नजर आता है। ये अहंकार जो है ना, ये जनता तोड़ देती है भाई साहब, बड़े बड़ों का अहंकार तोड़ा है जनता ने। और साहब हैं चौथी पास, कोई भी आता है 2-4 मस्के लगाओ, जो मर्जी काम करवा के ले जाओ। साहब को किसी ने बोल दिया मोदी जी को कि दिल्ली में तो स्कूलों में बच्चे गरीबों के मुफ्त पढ़ रहे हैं जी, केजरीवाल ने तो ऐसा इंतजाम कर दिया, वो तो इंजीनियर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे हैं।